प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मंगल बाल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी विषय के बारे में पढ़ेंगे, पाठ संख्या एक, जिनका नाम है वो सीढ़िया जो। पाठ का नाम है वो सीढ़िया जो। इनके इन कविता के जो लेखक है वो है केदारनाथ अग्रवाल जी, जिन्होंने जो खुद स्वयं एक सीढ़िया के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि हमें भी एक सीढ़िया की तरह अपने मन में संतोष में रखना चाहिए और साथ में साहस भी रखना चाहिए, और साहस से ही जो चिड़िया है वो अन्न से बहुत प्रेम करती है, अपने अपन के साथ कंठ खोलकर एक घना जो वन होता है उसमें बेरोक बिना रुके मुंह बोली जो चिड़िया है। और इस प्रकार कवि ने अपने भीतर की जो चिड़िया है उनके माध्यम से जो मनुष्य के महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से होते हैं, जिसमें साहस है, संतोष है, इनके बारे में कवि लेखक ने बताने केदारनाथ अग्रवाल ने बताने का प्रयास किया गया है। तो पहला जो चैप्टर है वो हम देखेंगे, वह चिड़िया जो सांस मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रूसी से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। यानी कि इसमें लेखक केदारनाथ अग्रवाल ने ये बताने का प्रयास किया गया एक कल्पित चिड़िया का वर्णन करते हुए कि वो स्वभाव से संतोष महसूस करने वाले, संतोष का मतलब होता है जितना कुछ मिल रहा है वो सही है, जितना कुछ मिला है उसी में वो प्रसन्न है और उसी में वो खुश है। तो इसने कवि ने अपने भीतर की जो कल्पित चिड़िया है कहती है, कवि के जो अंदर की जो भीतर की चिड़िया वो ये कहती है कि मैं नीले पंखों वाली चिड़िया हूँ, मेरे पंख कैसे हैं नीले, इन्हीं की चिड़िया के जो पंख है वो नीले हैं, जिसे अधपकी दूध भरे जुंडी के दाने का मतलब होता है, दूध भरे का मतलब होता है रस से भरे हुए, या अधपके जुंडी का मतलब होता है द्वार, जुंडी का क्या मतलब होता है द्वार, जिसे अधपकी रसीली बालियों से जुंडी अर्थात द्वार के दाने खाना बहुत पसंद है। मैं उन दानों को, इन्हीं चिड़िया ये कहती है कि मैं उन दानों को बड़े साव या मन से या रूचि से मैं उसको खा लेती हूँ, मुझे इन्हें खाने से बहुत स्वाद मिलता है और मैं बहुत मुझे प्रसन्नता भी महसूस होती है। मैं नीले पंखों वाली चिड़िया अपने भोजन से संतुष्ट चिड़िया हूँ, जितना कुछ मिल रहा है वो उसे मैं संतुष्ट हूँ और मुझे उसके साथ साथ अन्न से बहुत प्यार है, जिस दानों को मैं खाती हूँ ज्वार के दानों को उसे मुझे बहुत प्रेम है। इस माध्यम से कवि ने अपने संतोष स्वभाव को प्रकट किया है, उसके माध्यम हमारे को भी जितना कुछ मिल रहा है या तो हमें कुछ भगवान की तरफ से या जो हम मेहनत करें उसी अनुरूप हमें मिल रहा है, उसी के अनुरूप हमें अपने मन को संतोषी बनाना चाहिए। जिस तरह कवि ने सीढ़िया के माध्यम से बताया उसी तरह अपने मन को भी संतोषी बनाने का प्रयास करना चाहिए। अगली जो दूसरा चैप्टर है वो देखिए, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है, मुझे विजन से बहुत प्यार है। इन विजन का मतलब होता है जंगल और कंठ का मतलब होता है गला, बूढ़ा का मतलब होता है पुराना, के खातिर का मतलब के लिए, रस उंडेल कर का मतलब होता है मधुर स्वर। और इसमें कवि ने चिड़िया के माध्यम से जो जंगल के प्रति जो चिड़िया का प्रेम है उनको बताने का प्रयास किया गया है। यानी इसमें कवि ने यह बताने का प्रयास किया कि कल्पित चिड़िया की मैं बूढ़े वन बाबा के, अर्थात बूढ़े वन का मतलब होता है जो पुराना जंगल है, बहुत समय से अधिक उनमें मुक्त कंठ का मतलब होता है बिना रुके, उसको किसी प्रकार की वहाँ उस वन में घूमने की उनको रोक टोक नहीं है, खुले जल से मधुर गीत गाती हूँ, यानी बहुत ही मधुर का मतलब होता है मीठे, मैं उस
बूढ़े वन में या जो पुराने जंगल में गाने का प्रयास करता हूँ, मैं उस बूढ़े बाबा अर्थात पुराने जंगल की मुंह बोली बेटी, मतलब सबसे प्यारी बेटी है जिसका सबसे ज़्यादा स्नेह रखते हैं, उन पंखों वाली मैं छोटी चिड़िया हूँ। विजन का मतलब होता है जंगल, यानी मुझे जंगल से बहुत प्यार है, मुझे जंगल से बहुत प्यार, यानी इसमें भी संतोष का भाव बताने का कवि ने प्रयास किया गया है कि जिस जंगल में वह रहती है उस जंगल से उसे बहुत प्यार है। अर्थात हमें भी ये ध्यान है जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस गांव में हम रहते हैं उसी में अपनों को संतोष महसूस करने से कभी भी अपने आप को छोटा महसूस आपको नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार जो तीसरा चैप्टर है वो देखिए, वह चिड़िया जो चौंस मारकर सड़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इसमें कवि ने नदी के बारे में बताया गया कि जो नदी है वो सड़ी नदी का मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा पानी बहता है या नदी में बाढ़ आ गई हो, उस ऐसी नदी के बारे में जिसका वो बिल्कुल भी बिना रुके उसका जो जल है वो ले आती है, जो मोती रूपी जिन्होंने ये बताने, इसमें कवि ने कल्पी चिड़िया के माध्यम से उनके साहस और स्वाभिमान और हिम्मत को प्रकट किया है। और कवि ये कहते हैं, चिड़िया गर्व से कहती है कि वो उपवंती नदी का जल ऐसे ही नहीं पीती, बल्कि वो अपने पूरे साहस, अपने हिम्मत और अदम्य साहस के साथ और अपने जानकर सीधे नदी से अपने सांस में पानी की बूंदी बूंद रूपी मोती लेकर आती है। वह छोटी स्वाभिमानी चिड़िया है जो बिना नदी की आज्ञा के एक बूंद पानी भी नहीं लेती है, यानी कि नदी से पहले वो आज्ञा लेती है, फिर भी वो उपवंती होते हुए भी वो ये समझ लेती है कि मुझे नदी से बहुत प्यार है, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो इसमें कवि ने ये कहने का प्रयास किया है कि कवि का खुद का स्वभाव भी एक नीले पंखों वाली चिड़िया के समान है, क्योंकि लेखक खुद भी वो भी अपने मन में संतोष महसूस कर रहा है और अंत से उसको प्यार है। उसी प्रकार वो अपने पन के साथ कंठ खोलकर पुराने वन में बेरो गाती है, मुंह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है, वो उपवंती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को सांस में भर लेती है, उसे अपने आप पे गर्व है, वह साहस ये वो नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पी चिड़िया के माध्यम से जो मनुष्य के महत्वपूर्ण गुण होते हैं जैसे साहस है, संतोष है, उसी प्रकार मुंह बोली है आदि गुणों का कवि ने बखान करने का प्रयास किया गया है। तो आज हमने पढ़ा पाठ संख्या एक, वो चिड़िया जो, जिनके लेखक है केदारनाथ अग्रवाल, जिनके व्याख्या के बारे में हमने पढ़ा। तो इसके जो प्रश्नोत्तर है जब मैं आपको लेसन दूंगा तो उसके अंदर आपको प्रश्नोत्तर भी दे दूंगा। तो पाठ हालांकि मैंने एक बार आपको लिखित रूप में इसमें लेसन डाल दिया था, उसी प्रकार तो वीडियो बनाने के माध्यम से भी आप कुछ इसके बारे में और ज़्यादा समझने की कोशिश करना। थैंक यू, धन्यवाद।